खान साहब, बहुत ही ज़बरदस्त तारीखी विरसा है, आज तक दुनिया की नज़रों से छुपा ही रहा, अचानक सामने आया आप लोग यहाँ पे। यहाँ मैं कुछ 25 से 30 साल पहले आया था इस सारे इलाके, तब मेरे जहन में ये था, लेकिन फिर हम इतने मगन हो गए जब से इकदार मिला। लेकिन फिर मुझे सोच हुई, क्योंकि हम टूरिज़्म डेवलप कर रहे हैं और टूरिज़्म के तीन हैं, एक है हमारे पहाड़ों की टूरिज़्म, एक है जो हम समुद्रों की, जो हमारा सारा जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर आप टूरिज़्म का प्लान कर रहे हैं, एक है हमारे जो पुराने पुराने मकामात हैं पाकिस्तान, जिस तरह मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये पुरानी है, दुनिया इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो सारा सॉल्ट रेंज है, इस ये असल में आबादी इधर होती थी, बाद में लोग नीचे गए हैं यहाँ से, तो जो पुरानी आबादियाँ थी वो सारी सॉल्ट रेंज में हैं। और ये जो है ये नंदना फोर्ट, ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी होती थी अपने ज़माने की, इधर आके अलबरूनी ठहरे थे और उधर उन्होंने वो फिर ऑब्जर्वेटरी, जिधर उन्होंने दुनिया का मेजर किया था कि दुनिया का सर्कमफ्रेंस कितना है। तो ये बड़ी एक दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सारी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड होगी। तो हमने अब इसको डेवलप करना, ये शहर को मॉडर्न सिटी बना के, मॉडर्न विलेज बना के, और इधर फिर ताकि अब टूरिस्ट कैसे आएगा या क्या फिर करेगा, रहेगा किधर, तो उसके लिए फिर हम पूरा सहूलत और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके उसके लिए छोटा सा एक बुटीक होटल, यानी और ये विलेज को, ये जो गांव है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि ये, तो असल में फ़ायदा इन गांव वालों को भी होगा, जब बाहर से लोग आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, इनकी कैंटीन होगी, ये छोटा सा होटल होंगे, और साथ साथ ये दुनिया के मैप के ऊपर आ जाएगा ये सारा इलाका। ठीक साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन, और तुर्की और मलाइशिया 20-40 बिलियन डॉलर्स की उस पर चले गए हैं, टूरिज्म से कमा रहे हैं, पाकिस्तान आने वाले दिनों में कितना हो सकता है, कितने टारगेट है हमारा? देखिए, पाकिस्तान जो है तुर्की के पास क्या, तुर्की के पास पुरानी जगह, पुरानी सिविलाइजेशन है, वो जो इस्तंबुल है, दुनिया 1000-2000 साल पुराना वो शहर है, तो हमारे पास भी वो चीज़ें हैं। पेशावर दुनिया का पुराना तरीन शहर है, लाहौर पुराना शहर है, फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ इधर ही सामने शाहपुर, ये मुग़लों के ज़माने का शहर, तो लेकिन हमने किसको डेवलप नहीं किया, तो टूरिस्ट को नहीं पता। जब तक हम खुद इनको डेवलप करके, ताकि टूरिस्ट आके रह सके यहाँ, तब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे, बल्कि हमारे अपने लोगों को नहीं पता। तो अब पहाड़ों का तो पता चल गया, सब कौम पहाड़ों पर चली जाती है, लेकिन ये जो हमारे पुराने मुकाम आते हैं इनका नहीं पता। तो इसको अब हमें बाकायदा, इसके लिए पूरी एक किताब, एक मैप बनेगा, टूरिस्ट मैप पाकिस्तान का, जिसमें लोगों को पता होगा कि सॉल्ट रेंज में, जिस तरह ये रेडियस का जो फैसला किया है कि इस इलाके के अंदर कौन कौन से पुराने मुकामात हैं, और उधर जगह बनेंगी ठहरने के लिए टूरिस्ट के लिए। माय ऑनर है आपकी पॉलिसी का कि गर्मियों में अमूमन टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आते थे, इस दफ़ा सर्दियों में ज़्यादा आए हैं, कोविड के बावजूद आपकी पॉलिसी क्या थी जिसकी वजह से अट्रैक्ट किया टूरिस्ट को पाकिस्तान, और दूसरा आपका ख्वाब क्या है पाकिस्तान के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से, पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान हो कि जिसको दुनिया आके देखे? देखिए, टूरिज़्म के दो फ़ायदे होंगे, एक तो जब दुनिया बाहर से आती है, जिस तरह अभी बात की गई, तुर्की में 40 अरब डॉलर सालाना वो टूरिज़्म से कमाता है, मलेशिया जो हमारे मुकाबले में सिर्फ उनकी सी टूरिज़्म है वो 20 अरब डॉलर कमाता है, तो हम तो कुछ भी नहीं कमाते। तो एक तो बाहर से डॉलर्स आएंगे, जिसकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को, और अगर आगे मुल्क ने आगे बढ़ना है तो डॉलर्स, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, तो टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ रोज़गार देता है, टूरिज़्म बहुत बड़ा एक ज़रिया रोज़गार का है हमारे नौजवानों के लिए। और अब मसलन ये जो गांव है, अब इस गांव में कैसे लोगों को आप रोज़गार देंगे, या तो फसलें भी नहीं हैं इलाका, हाँ यहाँ जैतून के दरख्त उग जाएँ तो थोड़ा और रोज़गार बढ़ जाएगा, लेकिन जो ये टूरिज़्म से रोज़गार मिलेगा ये बिल्कुल गांव बदल जाएगा। तो इसलिए फैसला किया है कि गांव को हम पूरी मदद करें, ताकि टूरिस्ट जब आए तो गांव, फिर जब तक गांव वो टूरिस्ट के साथ उनको अपना नहीं समझेगा तब तक ये टूरिज़्म नहीं चलती। टूरिज़्म हमेशा जब मुकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है और मुकामी लोग टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, तब दुनिया में टूरिस्ट चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ख्वाब क्या है आपका, एक तो इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ लाना चाहते हैं या कि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं? जब जुल्फी बुखारी साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डोमेस्टिक की प्रेफरेंस ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, शुरू में पाकिस्तान के अंदर
खैराल बरूनी के लिए तो सारी दुनिया से लोग देखने आएंगे जिनको इंटरेस्ट है तारीख के अंदर, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान में अब डोमेस्टिक टूरिज़म तो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि वो अभी हमारे पास जगह ही नहीं है। जब बेचारे जब जाते हैं पहाड़ों के ऊपर तो गाड़ियों में बेचारों को सोना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास। तो डोमेस्टिक टूरिज़म तो यहाँ आसमानों पर पहुँच गई है। और फिर जो दूसरे तरफ से टूरिस्ट जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी पाकिस्तान अपनी छुट्टियों में आते हैं टूरिज़म करने, तो वो दूसरी टूरिज़म। और फिर तीसरी टूरिज़म है जो कि बाहर से जिनको इंटरेस्ट है, मसलन पाकिस्तान में जो पहाड़ है इनमें स्कीम में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, उसके लिए आएंगे। लेकिन इस तरह अल बरूनी जैसी जगह, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो पुराने हमारे पास जगह है उनको भी देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। रिलीजियस और सबसे ज़्यादा रिलीजियस टूरिज़म असल में उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो ये जो गंदारा सिविलाइजेशन की है वो आएंगे। सिखों के लिए पता करतारपुर है, ननकाना साहब है, उनके लिए बढ़िया। हिंदुओं के लिए या ऊपर कटास राज जो ऊपर टेम्पल्स हैं पुरानी बलूचिस्तान में है उनके लिए है। फिर सूफीज़म जो दुनिया में मुसलमानों में भी जिनको सूफीज़म में इंटरेस्ट है, पड़े पाकिस्तान के असल बाबा फरीद हैं या दाता साहब या मीर ये बुल्ले शाह, ये उनके लिए बड़ा इंटरेस्ट है। एक आखिरी सवाल आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। वैसे तो आपका यहाँ मौजूद होना भी एक बहुत बड़ी खबर है, इंटरनेशनल दुनिया को पैगाम है। आप जो तहजीब से प्यार करने वाले, कदीम तहजीब से प्यार करने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के लिए, यहाँ कैसी जगह है? देखें, हमने सिर्फ अपनी टूरिज्म डेवलप करनी है। डेवलप का मतलब कि जब टूरिस्ट आए तो उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, उसके लिए रिहाइश हो, सड़क बने ताकि वो आसानी से आ जाए। बाकी ये खुद ही देखें, टूरिस्ट ढूंढता है ऐसी ऐसी जगह, सिर्फ अगर वो पहुंच ही ना सके तो फिर टूरिस्ट क्यों आएगा? तो उसके लिए हमने सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार करना। ओके।